हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द बेस्ट फार्मेसी इंस्टीट्यूट्स इन मध्य प्रदेश स्टेट। मध्य प्रदेश में कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं जिसमें अगर आप मध्य प्रदेश में ही एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोग ले सकते हैं, उसके बारे में या चीज डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि देखो, सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो वीडियो है कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज को लेकर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। कुछ कॉलेजेस है मध्य प्रदेश में जिसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, या फिर कुछ कॉलेजेस हैं जिनमें आप लोग एडमिशन नहीं लेंगे, ये मैं आपको एक क्लियर आइडिया दे दूंगा। तो नॉर्मली अगर आप लोग PCI या फिर AICT या फिर गूगल में ही आप लोग लिस्ट चेक करेंगे तो मध्य प्रदेश में आपको बहुत सारे कॉलेजेस मिलेंगे या फिर यूनिवर्सिटी मिलेंगे फॉर फार्मेसी, मतलब B Pharm, D Pharm, M Pharm के लिए। लेकिन क्या उनमें से हर इंस्टीट्यूट अच्छा है सच में, वही इस वीडियो में हम लोग मेन फोकस होगा हमारा। क्योंकि हर इंस्टीट्यूट जो जैसे गूगल पे या फिर कुछ रिव्यू वेबसाइट में दिखाते हैं वैसा है नहीं, तो हम लोग बस ट्रू बात करेंगे। कौन कौन से जो फैक्ट्स है, जो ट्रू रिव्यूज़ है, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। जो मुझे पर्सनली मुझे हर एक को पूछना पड़ा जो मध्य प्रदेश से B Pharm या फिर M Pharm या फिर कोई भी डिप्लोमा कोर्स किए हैं अभी तक और कर रहे हैं अभी, उनका क्या मानना है अपने कॉलेज के बारे में, या फिर जो दूसरा भी उनका फ्रेंड्स है, मैंने सबसे पूछा है पर्सनली, तभी ये वीडियो इतना लेट हुआ है। क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले ही ज़्यादा कॉलेज नहीं है, मतलब कोई ब्रांडेड बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट्स जो है उनमें भी कोई NRF रैंकिंग का अगर लिस्ट आप लोग चेक करेंगे तो NRF रैंकिंग में कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है, एक भी इंस्टीट्यूट फार्मेसी का नहीं है NRF रैंकिंग 2022 में मध्य प्रदेश में सिचुएटेड, ठीक है। तो हम लोग NRF रैंकिंग को तो बाद ही देते हैं, हम लोग आते हैं AICTE और PCA पे। तो मेनली जो डिस्कस करेंगे जिन कॉलेज के बारे में, वो मेनली PCA अप्रूव तो है सारे, AICTE भी अप्रूव हो गए कुछ कुछ, और जो नहीं होगा मैं पर्सनली आपको बता दूंगा। जो AICTE अप्रूवल है वो एक डिपेंड करता है स्पेशली फॉर M Pharm स्टूडेंट्स विद GPAT क्वालिफाइड। क्योंकि जब आप लोग सिर्फ B Pharm या D Pharm को देखेंगे ना, या फिर एज अ नॉन GPAT देखेंगे, तो आप लोगों को अगर कोई आगे जाके जॉब देखेंगे तो वहाँ पे PCI और AICTE का एक वो लोग मांगते हैं, मतलब आइदर PCI अप्रूवल इंस्टीट्यूट होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, या फिर AICTE अप्रूवल इंस्टीट्यूट, ठीक है। ऐसा अगर आपके पास नहीं है AICTE अप्रूवल तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा नॉर्मली। अगर कोई कोई यूनिवर्सिटी होते हैं जो सेल्फ फाइनेंस होते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी होते हैं, जो कि AICTE अप्रूवल नहीं लेते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता B Pharm या D Pharm या फिर नॉन GPAT को। नॉर्मली जो फ़र्क पड़ता है जिन GPAT स्टूडेंट्स को, GPAT क्वालिफाई को अगर AICTE अप्रूवल नहीं वाला कॉलेज मिलता तो उनको स्टाइपेंड नहीं मिलेंगे, सिर्फ इंजीनियरिंग या फार्मेसी, इन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब M Tech एंड M Pharm जो GPAT और GATE क्वालिफाइड है, ठीक है। एंड बाकी आपके पास PCI अप्रूवल है तो एनाफ है, बाकी D Pharm, B Pharm या फिर Pharm D जो भी है, PCI अप्रूवल एनाफ है। PCI पर अप्रूवल है तो मैक्सिमम फार्मेसी कोर्सेस यू कैन डू, AICTE अप्रूवल हर जगह पे नहीं चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। ओके, आते हैं जो नॉर्मली अगर मैं बात करूँ कुछ मेडिकल कॉलेज से जिनमें फार्मेसी कोर्सेस होते हैं, वहाँ पे कभी भी AICTE अप्रूवल नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉलेज अच्छा नहीं है, ठीक है, डेफिनेटली वो अच्छा है। जैसे कि मद्रास मेडिकल कॉलेज है, बहुत सारे ऐसे भी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक करके जो कॉलेज है उनको रिव्यू दूंगा, मतलब जो कॉलेज अच्छे हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं है कि हर कॉलेज को मैं एक के बाद पढ़ के जाऊँ, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश में फ़िलहाल 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ फ़िलहाल है इंडिया में। पहला है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, जिसको हम लोग सागर यूनिवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा है जो अमरकंटक में है, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी और IGNTU जिसको बोलते हैं। ये दोनों ही मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। अभी इन दोनों के मैं सबसे पहले बात करते हैं, फिर हम लोग जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ, फिर हम लोग जाएंगे कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो अच्छा हो सकता है। सबसे पहले आते हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर के। तो हरि सिंह गौर का अगर मैं फ्रैंकली बात करूँ तो इसका B Pharm कोर्स अच्छा है, नॉट फॉर M Pharm एक्चुअली। मैं इसको M Pharm के लिए बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा, लेकिन जितना मुझे रिव्यूज़ मिला है, सबसे ज़्यादा मुझे सागर यूनिवर्सिटी से ही रिव्यू मिला है, उससे मुझे लगा है कि B Pharm के लिए फिर भी ठीक है, लेकिन M Pharm के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। पहले तो यहाँ पर फार्माकोलॉजी कोर्स नहीं है, जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका भी फैकल्टी का प्रॉब्लम है, स्पेशली प्लेसमेंट तो बिल्कुल ज़ीरो है, मतलब B Pharm लेवल का फिर भी थोड़ा सा प्लेसमेंट अगर मैनेजमेंट का हो भी जाता है कुछ मार्केटिंग वगैरह का, लेकिन M Pharm के लिए कोई भी अच्छा प्लेसमेंट यहाँ पर नहीं होता है। फैकल्टीज़ का भी प्रॉब्लम है, हो सकता है कैंपस थोड़ा सा अच्छा है, बड़ा है। फिर आते हैं जो IGNTU है, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। IGNTU जो अमरकंटक वाला है वो बिल्कुल नया है M Pharm के लिए, PhD के लिए तो बिल्कुल नया है, मतलब उनमें लेना ही नहीं चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से। अगर आपको कहीं पर भी नहीं मिला, मतलब मिल गया है और आपके पास कोई और चॉइस नहीं है, तो फिर आप लोग जा सकते हैं, नहीं तो मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा। और हाँ, ये दोनों सब यूनिवर्सिटी सेंट्रल, ये दोनों ही AICTE अप्रूव्ड है, तो आपको GPAT का जो स्टाइपेंड है वो मिलेगा, ठीक है। तो IGNTU B Pharm
कुछ सालों पहले स्टार्ट हुआ, तो बी फार्म के लिए फिर भी ठीक है, लेकिन प्लेसमेंट के साइड से बिल्कुल उतना नहीं है। और एम फार्म की अगर बात करूँ तो एम फार्म बिल्कुल नया है, तो आप लोग थोड़ा सा सोच समझ के यहाँ पे लीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी स्टूडेंट से मुझे बात हुई ऑलरेडी, तो उनका ये कहना है कि येस दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर एम फार्म, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तीसरे में आते हैं स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि भोपाल में है। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और इसका मुझे रिव्यू थोड़ा सा ठीक ठाक मिला है, मतलब ठीक के तरफ, नॉट वेरी गुड बट ठीक के तरफ, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं, बिल्कुल एक भी रिव्यू ऐसा नहीं मिला है कि बेकार है, ऐसा बिल्कुल नहीं भी रही है, ये ठीक ठाक रिव्यू है। गुड कॉलेज आप लोग कह सकते हैं आप लोग, लेकिन प्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं है, बिल्कुल प्लेसमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप प्लेसमेंट को साइड में रखेंगे तो बाकी सारा कुछ आपको यहाँ पे अच्छा मिलेगा, कैरिकुलम या फिर स्ट्रक्चर, बाकी सारा कुछ ठीक ठाक है, ठीक है। गवर्नमेंट है, फिलहाल फीस भी कम है, तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। ये क्या तीसरा। चार नंबर पे आते हैं जो कि गवर्नमेंट एडेड है, श्री जीएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, जो कि इंदौर में है। ये अच्छा है, इसके बारे में मुझे अच्छा रिव्यू मिला है, तो अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट ऑलरेडी है तो आप लोग अपना कीमती वक्त थोड़ा सा देके कमेंट कर जा सकता है कि सर ये कॉलेज अच्छा है सच में। अगर कमेंट बॉक्स में आप लोग अच्छा अच्छा चीज़ लिखेंगे अपने यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, जो एक्चुअलिटी है, रियलिटी है, तो उससे वीडियो में जो भी इफेक्ट हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा रॉन्ग भी हो वीडियो, लेकिन स्टूडेंट्स को हेल्प होना चाहिए। जो बाकी लोग देख के आ रहे हैं वो नॉर्मली सबसे पहले स्टूडेंट्स कमेंट ही चेक करते हैं, वीडियो देखने के साथ साथ कमेंट चेक करते हैं कि क्या कमेंट आया है। तो आप लोग कमेंट पे अपना जो भी रिव्यूज़ है वो देख के जाओ, ठीक है। नेक्स्ट एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, भोपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। ये भी एक अच्छा चॉइस हो सकता है, ये प्राइवेट है, सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी, लेकिन ये अच्छा कॉलेज हो सकता है। यहाँ पे भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, अगर आप लोग कोई प्राइवेट, आपको गवर्नमेंट मिल नहीं रहा, प्राइवेट आपको चाहिए एंड मध्य प्रदेश में ही चाहिए। सबसे पहले तो ये दोनों चीज़ अगर आपके पास ऑलरेडी आपके एक फ़िल्टर है तो भी अब ये वीडियो देखो, नहीं तो नहीं। मतलब अगर आपके पास एक ऑल इंडिया का चॉइस है, ठीक है, आप लोग कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हैं, तो आई वुड प्रेफर कि पहले दूसरे जगह पे देख लो, जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उनमें देख लो। अगर नहीं होता है तो फिर यहाँ पे आ सकते हो अपने लोकल में, क्योंकि बहुत दूर में एक प्राइवेट कॉलेज से बेटर है कि मैं यहीं पर कर लूँ मेरे जो स्टेट है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है या फिर कोई अच्छा सा प्राइवेट मिलता है दूर में तो ठीक है, जैसे कि SRM अगर मिलता है, LPU मिलता है, पारुल यूनिवर्सिटी, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला है, और कुछ कुछ अनदर्स भी है, तो आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। पूरा एक लिस्ट मैंने बना रखा है, बेस्ट कॉलेजेस आफ्टर GPAT और बेस्ट कॉलेज आफ्टर BPharm, मतलब MPharm के लिए, वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा मेरे प्लेलिस्ट के लिस्ट पे, आप लोग देख सकते हो, बहुत ही अच्छा प्लेलिस्ट है। मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, कॉलेज आपको वहाँ पे मिल जाएंगे जिनका एडमिशन कुछ कुछ हो चुका है, कुछ कुछ अभी चल रहा है। रिसेंट जो वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ मैं, वो अभी चल रहा है फिलहाल वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात है अनदर एक इंस्टीट्यूट है, ओरिएंटल कॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो ओरिएंटल कॉलेज ऑफ फार्मेसी में पर्सनली मैंने एक बार विजिट किया था, कॉलेज मुझे ठीक ठाक लगा, स्पेशली फॉर BPharm अगर मैं कहूँ तो BPharm के लिए आप लोग ओरिएंटल में एडमिशन ले सकते हैं, MPharm के लिए इतना प्रेफर मैं नहीं करूँगा। देन नेक्स्ट है, हम लोग आते हैं यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, स्कूल ऑफ फार्मेसी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, और DAVV जिसको, मैं इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी डाला था जब इसका एडमिशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो DAVV में पहली बात तो एक ही सब्जेक्ट है, तो अगर किसी को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप लोग क्या क्या फॉर्म फिल कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। कॉलेज ठीक ठाक है, प्लेसमेंट नहीं है बिल्कुल, लेकिन कॉलेज ठीक ठाक है ऐसे तो, ठीक है, लेकिन एक ही सब्जेक्ट है, ये प्रॉब्लम है एक। नेक्स्ट अनदर एक इंस्टीट्यूट है जिसको स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, मतलब गवर्नमेंट का है, जिसका नाम है स्कूल ऑफ स्टडीज़ ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, जीवाजी यूनिवर्सिटी, ग्वालियर। तो ये यूनिवर्सिटी का मुझे जितना भी रिव्यूज़ मिला है सभी नेगेटिव है एक्चुअली में, फिर भी मैंने नाम लिया, क्योंकि अगर मैं नाम नहीं लेता तो आप लोग कहते कि ये आपने मिस कर दिया शायद, तो मैम ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं मिस नहीं करना चाहता, सारे को मैं नाम लूँगा जो जो अच्छा है, जिनका नाम आपने सुना है विथ रिव्यूज़। तो इसका रिव्यू मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज़ आए, एंड पर्सनली जितना मैंने विजिट किया है तो ऑल द रिव्यूज़ आर नेगेटिव। अभी इनमें से जितना के भी मैंने नाम ले लिया, ये सारा PCI एंड AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है, तो इन सारे में आपको अगर आप एडमिशन लेते हैं, जिन जिन का रिव्यू आपको अच्छा लगा, जिन जिन में आप लोग इंटरेस्ट हो अभी इनको इस वीडियो को पूरा सुन के, तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, आपको GPAT का स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, क्योंकि इनको छोड़ के और ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जिसका मैं यहाँ पे नाम ले सकूंगा, फॉर BPharm हो या फॉर MPharm हो, ठीक है। कुछ कुछ अनदर इंस्टीट्यूट्स हैं शायद जिनमें ऑलरेडी आपने BPharm या DPharm किए हो एंड आपको लगता है कि वो अपने हिसाब से ठीक था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस वीडियो के लिए एक्चुअली हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो स्पेशली मास्टर्स के लिए है एंड बैचलर्स के लिए भी है, लेकिन स्पेशल मैं फोकस रख रहा हूँ मास्टर्स के लिए, तो मास्टर्स लेवल के लिए या फिर BPharm के लेवल के लिए भी इतना मैं प्रेफर नहीं करूँ। दूसरा इंस्टीट्यूट है, कॉलेज कुछ है, लेकिन वो अच्छा बिल्कुल नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी अगर आपको लगता है इसके साथ साथ कुछ एडेड इंस्टीट्यूट, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो आप लोग उसको मेंशन कर दीजिए कि हाँ ये कॉलेज है
जो आपने मेंशन नहीं किया सर, लेकिन वो डी फार्म के लिए या फिर बी फार्म के लिए, एम फार्म के लिए नॉट, ये थोड़ा सा लिख दीजिए, क्योंकि अगर आपके कमेंट से उनको ऐसा लगे कि ये कॉलेज अच्छा है, उन्होंने एम फार्म के लिए एडमिशन ले लिया, बाद में जाके उसको पता चला कि बिल्कुल अच्छा नहीं है एम फार्म के लिए, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको इस तरह का और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैंने एक नया व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है। इस ग्रुप में आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे जो वीडियोस हैं उसके लिंक मिलते रहेंगे, जो नॉर्मली ग्रुप्स हैं अनदर, उस ग्रुप में आपको जो पर्सनल इश्यूज़ है, मतलब जो कॉलेज रिलेटेड, एडमिशन रिलेटेड, फॉर्म फिलअप रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है, आप लोग उस पर डिस्कस करते हैं, मैं वहाँ पर रिप्लाई देता हूँ। लेकिन उसमें होता क्या है, जब भी मैं एक लिंक वहाँ पर अपलोड करता हूँ, वो जब कोई बाद में आके देख रहा है, उसके बाद से बहुत मैसेज हो रहा है, तो उसको ढूंढने में प्रॉब्लम होते हैं। तो इसीलिए इस ग्रुप में सिर्फ आपको जो वीडियोस का लिंक है वो मिलेंगे, तो एक ही जगह पे सारे लिंक्स मिल जाएंगे, तो आप लोग चाहे तो नीचे लिंक दिया है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।